Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MS and MD program of Dr. Vasanthrao Pawar Medical College Hospital and Research Center, Adgaon. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. So जो कॉलेज है एस्टैब्लिश हुआ था ये 1990 में प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो एफिलिएटेड है MUHS यानी कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। एक्रेडिटेशन की बात करें तो नेट का ग्रेड B++ का एक्रेडिटेशन इसके पास है। नाउ मूविंग ऑन टू कोर्सेज एंड फी स्ट्रक्चर, तो ये MD और MS ऑफर करता है काफी सारी स्पेशलाइजेशन में, जैसे कि एनेस्थीसियोलॉजी हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी और लेपर्सी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, पैथोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, ऐसे कई कोर्सेस में ये MD और MS ऑफर करता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हैं कम्प्लीट कोर्स लिस्ट। अगर इनटेक कैपेसिटी की बात करें तो एनेस्थीसियोलॉजी की जो सीट्स है वो है 4, देन डर्मेटोलॉजी में भी आपकी 3 सीट्स है, देन जनरल मेडिसिन में 5 सीट्स है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट्स है, पीडियाट्रिक्स में भी 3 सीट्स है, पैथोलॉजी में आपकी अराउंड 5 सीट्स है और कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीस की, तो फीस जो है वो ऐसी रहेगी कि अगर आप स्टेट कोटा, NRI कोटा या फिर इंस्टीट्यूट कोटा से जाते हो तो आपकी फीस डिफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन फीस आपकी 1500 रहेगी सबकी सेम, पर ट्यूशन फीस अगर आप स्टेट कोटा से हैं तो 8 लाख पर एनम रहेगी, इंस्टीट्यूट कोटा से हैं तो 32 लाख पर एनम रहेगी और NRI कोटा से हैं तो 40 लाख पर एनम रहेगी। एलिजिबिलिटी फीस की बात करें तो सारी कोटा की 66,600 रुपीज रहेगी, देन कॉशन मनी आपकी रहेगी कुछ अराउंड 1 लाख रुपीज की, देन उसके बाद आपको लाइब्रेरी डिपॉजिट देना होगा 50,000 रुपीज का। अदर फीस जो है आपकी वो 500 रुपीज रहेंगी सब कोटा में सेम। तो अगर हम टोटल फीस की बात करें तो अगर आप स्टेट कोटा से हैं तो आपकी फीस पड़ेगी 10,23,600 रुपीज, देन अगर आप स्टेट कोटा से हैं तो 34,23,600 पड़ेगी एंड अगर आप NRI कोटा से हैं तो 42,23,600 रुपीज आपको फीस पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कट ऑफ स्कोर क्या है कॉलेज का, तो अगर आप बिलोंग करते हैं OBC कैटेगरी से तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 555 का स्कोर यानी कि क्लोजिंग स्कोर। और मैं ये जो कट ऑफ बता रही हूँ मैं कट ऑफ रहेगा नहीं, मतलब कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर 2021 में उसके बारे में बता रही हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि इस साल बेस्ड ऑन योर स्कोर आपकी क्या चांसेस है कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ST के लिए 354 क्लोजिंग स्कोर था ST कैटेगरी के बाद, अगर SC की बात करें तो SC कैटेगरी के लिए 482 जो था वो क्लोजिंग स्कोर था एंड COMN की बात करें तो 558 जो था वो क्लोजिंग स्कोर था। हर कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ स्कोर गया था। तो आज मैंने आपको डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अदगांव के MS और MD प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू।